आपके ही अपने YouTube चैनल चोपड़ा एजुकेशन में मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, गलतियां हर इंसान से होती है क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। अगर आपने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कोई गलती कर दी है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है तो आपको जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, इसका क्या समाधान है। आपको एडमिशन के टाइम में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने सीट मैट्रिक्स, फीस, च्वाइस लिस्ट, कट ऑफ, इसके बाद में सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, हरेक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, ये ऑल इंडिया, स्टेट, आयुष, वेटनरी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग सभी कोर्स के लिए बुक अवेलेबल है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम काउंसलिंग के बारे में। तो इसमें जो गलतियां होती हैं वो दो प्रकार की गलती होती है, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती है या तो आपके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं? जैसे हम जो भी डिटेल फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो टेंथ की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करते हैं, टेंथ की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मान लो आपकी टेंथ की मार्कशीट में आपके नेम में कोई नेम में मान लो राकेश है, ये इस प्रकार का नाम लिखा गया है, लेकिन जो आपकी ट्वेल्थ की मार्कशीट है उसमें नाम राकेश की जगह या तो ए छूट गया है या ए की जगह ए लिखा गया है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। फादर के नेम में भी आपकी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हो सकती है, जैसे फादर नेम टेंथ की मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जैसे एम ओ एच ए एन की जगह एम ए लिखा गया है ट्वेल्थ की मार्कशीट में, स्कूल की तरफ से कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर सरनेम में कोई मिस्टेक हो गई है, आपके सरनेम की स्पेलिंग कुछ और है, आपके फादर मदर के सरनेम की स्पेलिंग कुछ और है, या फिर यहां पर और भी मिस्टेक हो सकती है, फादर मदर के नेम में सरनेम के अलावा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स में आपके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे टेंथ की मार्कशीट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो ट्वेल्थ की मार्कशीट में सही है या टेंथ के हिसाब से ये है। तो इस प्रकार से या तो आपके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हो सकती है। दूसरी हमारी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि डॉक्यूमेंट्स तो सही हैं, डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसमें मिस्टेक हो गई है। जैसे कि मान लो टेंथ की मार्कशीट में आपका नाम रेखा है, ऐसा लिखा है टेंथ की मार्कशीट में, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आर ई के ए कर दिया है, एच मिस कर दिया है, या कोई भी किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मदर नेम में हो सकती है, तो ये किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने मिस्टेक कर दी है, हो जाता है, इंसान से ही गलतियां होती हैं, हो सकता है करेक्शन के टाइम में ध्यान नहीं दिया हो, करेक्शन नहीं कर पाए हो, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि मान लो 9 फरवरी 2002 है डेट ऑफ बर्थ, आपका यहाँ 2/9/2002 लिखा गया है, क्योंकि कंप्यूटर के सिस्टम में भी कभी ऐसा हो जाता है, पहले मंथ आ जाता है फिर डेट आती, तो इस प्रकार से मिस्टेक कोई भी हो सकती है। तो ये अगर आपकी मिस्टेक हो गई है तो आपको जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट कोड को लेकर के टेंशन में है कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में 2 कोड फिल कर दिया, 5 कोड फिल कर दिया, तो वो भी मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये कोड को लेकर तो आपको जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए एडमिशन के टाइम में आपको एक एफिडेविट देना होगा। एडमिशन के समय जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे एडमिशन के लिए, वहां डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएंगे, वहां डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, वहां आपको एक एफिडेविट देना होगा, एफिडेविट देना होगा। ये कहां से बनेगा और कैसे बनेगा इसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो एफिडेविट क्या होता है, स्टैम्प पेपर पर बनता है। जो स्टैम्प पेपर होता है जैसे 50 रूपीज का होता है स्टैम्प पेपर, 50 रूपीज का हो सकता है, 100 रूपीज का हो सकता है, बाय द वे कभी कभी 100 का भी नहीं मिलता है तो इससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो ये इस स्टैम्प पर आपको एक एफिडेविट टाइप करवाना है और उस एफिडेविट में ये लिखना है कि मेरी यहां मिस्टेक हो गई है और इसको
जैसे कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स में अगर मिस्टेक है तो आपने उस पर ये लिखवाना है कि मेरी टेंथ की मार्कशीट में ये नाम है, ट्वेल्थ की में ये है, मेरे बाकी डॉक्यूमेंट्स में ये है, तो इसको ये पढ़ा जाए। तो इस प्रकार से एक एफिडेट आपको देना होगा। ये एफिडेट बनेगा कहां से? ये एफिडेट बनता है कोर्ट से। आपको सिंपली कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाने के बाद में वहां आपको एडवोकेट्स मिलेंगे। किसी भी एडवोकेट के पास, जो नोटरी पब्लिक है उसके पास में जाकर के आपको ये बताना है कि मेरे को एक एफिडेट बनाना है, नोटरी करवानी है उसकी, और मेरे डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हो गई है। तो उनको इस बात का पूरा नॉलेज होता है क्योंकि रात दिन वो यही काम करते हैं। उनको आप पूरी तरह समझाइए कि मेरा नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय मिस्टेक हो गई है या फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है। तो ये आप एफिडेट कोर्ट से बनवा लें, ये पहले ही बनवा लें ताकि आपको एडमिशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सीधा कोर्ट जाना है, एडवोकेट से अपनी सारी प्रॉब्लम बतानी है और उसके बाद में एफिडेविट तैयार करना है। वो 100 रूपये के स्टाम्प पर वो एफिडेविट टाइप करके नोटेरी पब्लिक का स्टैम्प लगा देगा, उसकी नोटेरी कर देगा। तो फिर उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये DGHS ने अपने पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इस बात का जिक्र कर रखा है कि अगर किसी स्टूडेंट को इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वो एफिडेविट दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये एक अपडेट थी। काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे इस विषय पर कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी मिस्टेक्स हो गई, तो उसका ये समाधान मैंने आपको बता दिया है। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।